हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं विश ब्लॉग। सो फाइनली हमने मधमहेश्वर का ट्रैक कंप्लीट कर चुका और काफ़ी दर्द भरे जख्म भी मिले, बट वही है, महादेव की भक्ति में आप अगर महादेव के दर्शन करने जा रहे हो तो महादेव की यात्रा आप लोगों को पता ही है कि इतनी आसान नहीं होती, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जब ऊपर जाते हैं तो आपके सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो नॉर्मल है, ये तो चलती रहती है। बाकी अब निकल गए, ब्रेकफास्ट कर रहा था तो कम से कम 20-25 मिनट हमने ब्रेक लिया था, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी जो टाइम हो रहा है 1:43 हो गया। अब सामने है रांची विलेज, वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ जाके अपने बैग्स वगैरह लेते, राइडिंग जैकेट लेते और बैग पैकिंग करेंगे और पीछे कैरियर पर बांध देंगे, उसके बाद निकलेंगे। बाकी देखते हैं, अगर रास्ते में कुछ चीज़ दिखेगी तो वहाँ रुकते हैं तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो गाइस, रांची गाँव से निकल रहे हैं और टाइम हो गया अभी 2:30 बज गया, 2:29 हो गया और लास्ट डे था हमारा अब यहाँ से। और ये पीछे होम स्टे है जो आप देख रहे हैं, इस वाले होम स्टे में हम रुके हुए थे। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला है नर्मदा होम स्टे करके है, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोन नंबर वगैरह है, काफ़ी अच्छा होटल है। तो ये फ़ोन नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से। बाकी भैया पूछ रहे थे, भैया बुकिंग तो ऑल टाइम अवेलेबल होगी ना, कि कोई अगर करके आया, मतलब फ़ोन करके आया? फ़ोन करके आया। अच्छा, बाकी प्राइस की बात करें तो भैया प्राइस तो सीज़न के हिसाब से चलता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि है ना। हाँ, तो अगर आप आ रहे हैं इधर नर्मदा होम स्टे में तो यहाँ मतलब प्राइस का सीजनेबल है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक फिक्स है। बाकी आप भैया का मैंने कॉल दे दिया नंबर, इस नंबर पर आप कॉल करके इनसे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, ये होम स्टे है। और बाकी मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाई दूंगा कि होम स्टे कैसा था, जब आप मेरा फोन फर्स्ट वाला देखेंगे तो उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा भैया का। तो आप कॉन्टेक्ट करके मधमहेश्वर जी टेम्पल आएँगे तो रांची गाँव में आएँगे तो रांची गाँव में ये वाला मिल जाएगा आपको। तो ये इनकी प्रॉपर्टी रहने वाली है, ये होम स्टे है, यहाँ आके आप स्टे वगैरह कर सकते हैं। बाकी आप निकलने का टाइम आ गया तो निकलते हैं, देन आपको मोटो ब्लॉक पे मिलते हैं। गाइस, टाइम 2:33 और ये जो था रांची विलेज था। बाकी भैया काफ़ी अच्छे हैं, भैया का नेचर भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये होम स्टे था नर्मदा होम स्टे, आपको मैंने बाकी दे दिया डिटेल में नंबर वगैरह, तो आप कॉन्टेक्ट करके बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। और आप यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से जाएंगे उखीमठ, उखीमठ होते हुए नीचे रुद्रप्रयाग होते हुए निकलेंगे, धारी देवी होते हुए श्रीनगर, श्रीनगर होते हुए देवप्रयाग, फिर ऋषिकेश, ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार। बाकी बीच में रुकेंगे, बीच में आपको दिखाएंगे अगर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा तो। बाकी निकलते हैं यहाँ से, चले। ओके भैया, थैंक यू सो मच, बिल्कुल आएंगे, कभी आएंगे तो। और बाकी कोई आएगा तो आपके इधर ही भेजेंगे, ठीक है भैया? ठीक है, ओके, धन्यवाद। तो चल दिए यहाँ से, उखीमठ होते हुए जाएंगे, उखीमठ यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर होगा। तो अभी 2:33 हो रहा है तो अभी लग जाएगा 1 घंटा, क्योंकि रोड की स्थिति थोड़ी ख़राब है तो टाइम लगेगा उसमें। और वाटर क्रॉसिंग भी बहुत मिलेगी इस रूट पे। बाकी चलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश कितने बजे पहुँचते हैं, जिस हिसाब से डिसाइड करेंगे। आप सामने व्यू देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है और नीचे रिवर जा रही है और उस ब्रिज से होते हुए सामने हमने जाना है। अभी भी यहाँ से उखीमठ या ओमकारेश्वर जो टेंपल है वो 15 किलोमीटर के आसपास होगा, मे बी 14-15। और व्यू देखो क्या ज़बरदस्त आ रहा था। तो ये ब्रिज पड़ा है, इस ब्रिज से होते हुए जाएंगे हम। ये देखो, ये रिवर जा रही है, ये एकदम पानी का बहाव तेज है लेकिन पानी साफ है काफ़ी, मतलब अल्टीमेट व्यू है भाई, मज़ा आ गया। बाकी देख सकते हैं आसपास के ब्यूटी को, काफ़ी बढ़िया है। वाटर क्रॉसिंग छोटी सी,
एक और वाटर क्रॉसिंग। देखिए इसमें थोड़े मोटे मोटे पत्थर है। निकल गई। बारिश में आपको दिक्कत हो सकती है इसमें थोड़ी, बाकी तो ठीक है क्योंकि स्लिपरी थोड़ा सा हो जाता है। ये मध महेश्वर जी का गेट था और जो ये लेफ्ट में रास्ता जा रहा है ये जा रहा है तुंगनाथ चोपता के लिए और राइट में हम जाएंगे नीचे रुद्रप्रयाग के लिए। किधर नाम पर रखा है? ऊपर वाला चोपता जा रहा है ना, तो केदारनाथ नीचे से रास्ता कटता है ना नीचे वाले गेट पे। और एक और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग वो सामने गुप्तकाशी है, जितना भी दिखाई दे रहा है ना सामने गुप्तकाशी है पूरा, वो सारा रास्ता उधर गुप्तकाशी के लिए जा रहा है, हमें नीचे जाना है। सामने जो ब्रिज आ रहा है वो केदारनाथ की तरफ को जा रहा है, वो वाला रास्ता जो है सामने केदारनाथ की पहाड़ी है सामने जो आप उधर से जाएंगे तो, और लेफ्ट में हम रुद्रप्रयाग की तरफ हम चले जाएंगे तो वो सामने ब्रिज आपको केदारनाथ बाबा जी के पास लेके जाएगा। और ये सामने देख सकते हैं तो राइट में केदारनाथ की तरफ रास्ता है और हम सीधा जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। और देख पर यहाँ 39 ऋषि के 100 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, और श्रीनगर आ चुके हैं। टाइम आई थिंक 5 बज चुके हैं शाम के और श्रीनगर आ चुका है और यहाँ से 2 किलोमीटर और होगा श्रीनगर, तो अभी देखते हैं वही लंच के लिए रुकेंगे। तो लंच आज किया नहीं हमने तो थोड़ा लेट हो गए क्योंकि ट्रैक से आए थे तो 1 डेढ़ बजे हमने मतलब वो हमारा ब्रेकफास्ट ही होता ब्रंच हुआ था बाकी उधर श्रीनगर है सारा का सारा। तो यहाँ पे लंच लेट वगैरह हो रहा है, ऊपर पूरा लंच लेट हो गया आगे खोल दिया गाड़ी वगैरह। चार्जर लगा हुआ था काफ़ी देर से, बस लाइट वगैरह होता रहता था। तो फाइनली गाइस अभी हम हैं श्रीनगर में और लंच के लिए रुके थे, लंच के आप तो डिनर ही बाद में करेंगे। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं पहाड़ी किंग करके और यहाँ चाइनीज़ इटालियन फूड फास्ट फूड सब मिलता है। और अगर आप श्रीनगर में आ रहे हैं तो ये जगह काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने यहाँ पर खाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाऊँ। आप लोग कहते हैं कि किस जगह पर लंच कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं आप इसके बारे में बताएं। तो ये जगह थी यहाँ पर था श्रीनगर में पहाड़ी किंग रेस्टोरेंट है और ये कोई स्कूल है, एक बार भैया से पूछ रहे थे। बाकी भैया क्या जगह का नाम बताया था आपने श्रीनगर पे पहाड़ी किंग करके आपका जो रेस्टोरेंट है, कौन सा स्कूल नियर बाई था? भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल है। अच्छा, और ये श्रीनगर में ये कौन सी जगह थी? श्रीकोट। तो ये श्रीकोट करके जगह है और ये क्या क्या भैया का पहाड़ी किंग रेस्टोरेंट करके, बाकी ये मेन्यू वगैरह है तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। बाकी भैया और कुछ तो नहीं है, नियर बाई यही है ना यहाँ पे जी। तो आप श्रीनगर में आ रहे हैं, श्रीनगर में यहाँ पे आके अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। भैया कितने बजे से खुला रहता है वैसे? लास्ट 9 बजे तक ना? हाँ, तो इसकी टाइमिंग जो है लास्ट 9 बजे तक अगर आप, तो आप
कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे 9 बजे तक रात के लंच के, और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है पहाड़ी किंग सही नगर में, और भगवत ही मेरे काफ़ी स्कूल है सामने, तो यहाँ पे हमने लंच किया था और अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है और ठीक ठाक बजट में है, आप खा सकते हैं यहाँ पे। बाकी ये व्यू है कुछ सामने का, तो ये रुद्रप्रयाग वाला रास्ता आ रहा है जो सामने से आ रहा है, और यहाँ से आप जाएंगे ऋषिकेश होते हुए, मतलब देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश की तरफ को जाएंगे। बाकी ये अपनी बाइक खड़ी है सामने और टाइम हो चुका है 6:33 हो चुका है सामने देखकर, तो बस अब निकलते हैं, देन आपको मिलते हैं फिर। निकल चुके हैं श्रीनगर से और भैया के रेस्टोरेंट में खाना खाया था पहाड़ी किंग, काफ़ी बेहतरीन था खाना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए, और ज़्यादा महंगा नहीं था, 290 रुपये में हमने सैंडविच वगैरह खाए और लेमन टी और नॉर्मल टी भी पी थी, और उसमें हमने एक हाफ प्लेट चाउमीन, 2 पराठे थे, तो अच्छा ठीक ठाक रेट है और काफ़ी अच्छा लगा खा के, तो इसलिए हमने आपको रिव्यू दिया और आपको वहाँ के लिए बोला कि आप इधर आएंगे तो यहाँ आए, इसलिए रिकमेंड किया आपको। बाकी निकल गए श्रीनगर से होते हुए आगे को, तो ये श्रीनगर है, तो निकलते हैं अब, तो बाइक की लाइट जला दिया, अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा रोड पे, अभी आगे जाएंगे, अभी तो यहाँ लाइट है तो अंधेरे वाली जगह में और साफ दिखाई देगा, तो श्रीनगर से आगे निकलते हैं, फिर चलते चलते आपको आगे, रात में तो कुछ दिखाई देगा नहीं बट कोशिश करेंगे कि जो भी कुछ होगा लाइट वाइट वगैरह कुछ भी ऐसा होता है दिखता है आपको दिखाएंगे रोड की कंडीशन। तो गाइस पहुंच चुके हैं देवप्रयाग और टाइम हो रहा है 7:45 और 6:40 पे निकले थे श्रीनगर से, वहाँ से 25-30 किलोमीटर है, ये देवप्रयाग है सामने, तो कोई ग्लोबल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी और यस अभी यहाँ से हरिद्वार होगा 90 से 100 किलोमीटर के आसपास है, तो उसको भी कवर करते हैं, तो लगभग शायद 10 बज जाएंगे, तो हरिद्वार 93 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। सो भाई अभी थोड़ा सा ब्रेक लिए 5 मिनट का पानी पीने के, और ऋषिकेश क्रॉस कर चुका है और हरिद्वार यहाँ से मे बी होगा 20 के आसपास, 15-20 किलोमीटर, तो उससे आगे जाके देखेंगे कहीं डिनर करेंगे, और टाइम हो गया 9:45 मतलब 9:45 के आसपास हो गया, तो उसके बाद 240 किलोमीटर समथिंग हमारा रह जाएगा, अभी होगा 260-270 किलोमीटर होगा, तो अभी आगे जाके डिनर करेंगे, डिनर के मेन में फिर देखते कितना टाइम लगेगा, मे बी बच जाएगा 2-3 तो बच ही जाएगा आराम से अगर पॉसिबल, तो अभी यह ब्रेक लिया पानी पीते हैं, देन निकलते हैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेके, बाकी ऊपर से आ गए हैं सही सुरक्षित आराम से सही सलामत आ गए, बाकी अपनी बाइक के सामने खड़ी है। दिल्ली मेरठ हाईवे पे और हरिद्वार से शायद 50 किलोमीटर दूर आए थे, ये अनिक राजा रसोई फैमिली पड़ती है गाइस, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा अगर आप इधर से आ रहे तो इस ढाबे पे ना आए, क्योंकि हमने रोटी वगैरह ऑर्डर करी थी तो रोटी में एक बार मक्खी मरी हुई मिली थी, दूसरी बार कोई कपड़े का वो आया, तो स्टाफ भी अच्छा नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ कि आप यहाँ आके ब्रेकफास्ट लंच डिनर करें, तो आप अगर इस रूट पर आ रहे तो इधर ना आए, बाकी निकल रहे यहाँ से, मैंने भाई रिकमेंड कर रहा हूँ कि कोई भी इस हाईवे से आ रहा है इस ढाबे पर ना आए, है ना, ढाबे का नाम दिखा दिया मैंने क्योंकि तेरी रोटी में 2-3 बार ऐसा हुआ है ना, पहले में मक्खी आ गई दूसरे में धागा, हाँ, और स्टाफ भी अच्छा नहीं है। बैठो चलते हैं, यहाँ से 189 किलोमीटर रह गया इसका घर शुभम का, उसको छोड़ के फिर देन मैं घर जाऊँगा अपने, तो भगवान का नाम लेते हैं,
तो यही था गाइस, बीच बीच में आपको रिव्यू वगैरह देते रहते कि कहीं भी खाना खा रहे तो आपको रिकमेंड करते कि ये जगह सही है या ख़राब है। तो ये जगह बिल्कुल बेकार थी, तो आप बिल्कुल भी इस वाले हाईवे पर आ रहे तो इस पर बिल्कुल भी मत खाना खाना। तो ये सेकंड टॉल आया, पहला टॉल तो पीछे से लगे था, बस तकरीबन होगा 50-60 किलोमीटर। ये सेकंड टॉल है, इसके बाद शायद मुजफ्फरनगर आएगा और मुजफ्फरनगर समथिंग यहाँ से 25-30 के अराउंड है। तो अपना तो कोई टॉल नहीं है, बाइक से तो अपनी तो फुल VIP एंट्री होती है यहाँ से। बाकी वही 3 बजे के आसपास तक पहुँचेंगे घर। सो गाइस, दिल्ली लगभग पहुँच गए, ये सरायकाले गाँव को सीधा है, आश्रम सीधा है, इंडिया गेट की तरफ को जा रहा है उसका। घर पहुंच चुके थे हम, सुबह 3 बजे पहुंचे थे और ठीक ठाक आ गए थे और लगभग हमें लगे थे 12 घंटे करीब लगे थे और 450 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था, मतलब 2:30 बजे करीब निकले थे वहाँ से रांची विलेज से और हरिद्वार पहुंच गए थे लगभग 10 बजे के आसपास पहुंच गए थे और वहाँ से हमें 3-4 घंटा लगा दिल्ली पहुँचने में। 10-11 बजे तक हम हरिद्वार थे। तो ये ब्लॉग आपने हमारा देख ही लिया होगा और मधमहेश्वर की सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे आपके लिए ऐसे नए ब्लॉग लाते रहेंगे। इस ब्लॉग को आप यहीं ऐड करते हैं, मिलते हैं इसके साथ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।